हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे लग रहा है कोई भी हो, बहुत अच्छे हो। ओके, आज हमें आम का चटनी बनाना दूसरा तरीका की। ओके, हमने डाला पाँचफोरन, राई भी डाला, पाँचफोरन भी डाला, एक तेजपत्ता भी डाला, एक लाल मिर्च भी डाला। ओके, इस टाइप का जरूर बनाना आम का चटनी, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, छिलका छिलका रहने देना आम की साथ ही, चटनी की साथ ही, फिर खा के देखना, खाते रह जाओगी उंगली चाट चाट के, बहुत टेस्टी बनता है। ओके, हमने इस टाइप का बनाया था, खाया था, बहुत टेस्टी लगता है आम का छिलका जो है ना, वो भी टेस्टी बनता है। इस टाइप का जरूर बनाना आम का चटनी, आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। रोटी परोठा के साथ खाना, एक्चुअली चीनी ज़्यादा डाल देना। ओके, चीनी नमक ज़्यादा डाल देना, मसाला कोई भी डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों पास करो ना राई गिर गया तो, इसलिए स्वाद अनुसार डाले नमक, ऐसे साबुत रहेगा। चीनी ज़्यादा डाल देना। ओके, नमक और चीनी सही गिर जाएगा ना, फिर चटनी के साथ परोठा रोटी खाइए, आप लोग तो अंगली चट के खाते रह जाओगे, बहुत टेस्टी बनता है। इसकी जो छिलका है ना, इसकी भी बहुत खुशबूदार रहता है और वो भी अच्छा लगता है, लेकिन खाते नहीं हम लोग, एक्चुअली आम ले लेते और छिलका को बाहर फेंक देते, सबकी तो यही है ना, है ना, आम ले लो और छिलका बाहर फेंक दो, टिक्की खाओ पत्ता बाहर फेंक दो, इस टाइप का हल्दी कर दो। गाड़ी बना लेना, हल्दी कर दिया, कोई गरम मसाला नहीं।